गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साखी पढ़ेंगे। उम्मीद है कि तुम लोग बुक और पेंसिल के साथ रेडी हो गए। जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे उनको तुम्हें लिखना होगा। पाठ्यपुस्तक में कबीर की 10 साखियाँ संकलित हैं। इन साखियों में कबीर ने सद्गुरु की महिमा, प्रभु या गुरु के प्रेम एवं अनुग्रह की कृपा, प्रभु विरह की व्याकुलता, प्रियतम से मिलन की तीव्र आकांक्षा, गुरु की कृपा से परम तत्व के दर्शन होने, ईश्वर के ज्ञान से अहं की समाप्ति अर्थात अहंकार की समाप्ति तथा सच्चे वैराग्य के द्वारा मन को योगी की भांति बना लेना जैसे प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। पिछली कक्षा में मैंने तुम्हें बताया था कि साखी कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन दोहों के रूप में साखी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। चलो पहला दो साखी पढ़ते हैं। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी अन्य लोगों की तरह लोक परंपरा और वेदों की परिभाषा में बंधा हुआ संसार में इधर उधर भटक रहा था। मैं पहले लोक ज्ञान, लोक व्यवहार और वैदिक आचरण के साथ चल रहा था। संसार में जीने के लिए सांसारिक ज्ञान आवश्यक होता है। फिर सतगुरु से भेंट हुई। सतगुरु अच्छा अर्थात सच्चे गुरु। सतगुरु से भेंट हुई। सतगुरु ने कृपा करके हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया। ज्ञान का दीपक अर्थात आत्मा आत्मा परमात्मा का ज्ञान। इससे लोक परलोक बनता है, यह सौभाग्य की निशानी है। तो सतगुरु जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे ज्ञान का दीपक दिया। दीपक जिस प्रकार अंधकार का सर्वनाश करता है, अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान हमारी अज्ञानता को दूर करता है। तो दीपक गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान रूपी दीपक द्वारा मेरे मन का सारा अंधकार नष्ट हो गया। अर्थात ज्ञान मार्ग पर चलते हुए उसकी ईश्वर प्राप्ति की सभी झूठी पद्धतियों का अंधकार मिट गया। अर्थात मुझे ज्ञान का प्रकाश मिला जिससे हम मेरे अंदर की अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश हो गया। दूसरा, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन राई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम प्रेम की वर्षा प्रेम के बादल ने वर्षा करके हमारी आत्मा को प्रेम से सराबोर कर दिया। अर्थात हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो गई, उसमें नवीनता आ गई, वन में चारों ओर हरियाली छा गई, जीवन में आनंद छा गया। कहने का अर्थ है कि गुरु के प्रेम तथा कृपा का बादल अर्थात गुरु ने जब मुझ पर कृपा किया तब मुझ पर प्रेम रूपी बादल बरस गए, जिससे मैं उस प्रेम रस से मेरी अंतरात्मा भींग गई और मैं आनंद से भर गया। इसी आनंद से संपूर्ण वनस्पति भी हरी भरी हो गई। कहने का अर्थ यह है कि सारे विश्व की सृष्टि चेतन आनंदमय प्रतीत होने लगी। भक्ति अथवा ज्ञान की दृष्टि जाग जाने पर विश्व जर एवं दुखमय न लगकर ईश्वरमय और आनंद स्वरूप प्रतीत होने लगता है। अर्थात जब बारिश होती है तो सब पेड़ पौधे सभी गीले हो जाते हैं, भींगे नजर आते हैं और इसके कारण वन में सर्वत्र हरियाली छा जाती है। ठीक उसी प्रकार में हमारे ऊपर जब प्रेम रूपी बादल का वर्षा बारिश हुई तो हमारी अंतरात्मा तो भींगी ही और इसके परिणाम स्वरूप सारा जगत जो था, सारा संसार जो था वो आनंदमय हो गया। तीसरा, बांसुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुरिया राम सु, ना सुख धूप ना छा। देख ही रहे हो कि अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण है। इसीलिए कहा जाता है कि कबीरदास के भाषा जो है वो सदुक्करी है अर्थात पंचमेल खिचड़ी है। क्योंकि यहाँ कभी तुमको राजस्थानी मिल रहा है नारायणी सुख, कभी तुमको पंजाबी मिल रहा है, कभी तुमको ब्रज भाषा मिल रहा है, कभी अवधी मिल रहा है, कभी तुम्हारा फारसी जैसे भाषा मिल रही है। तो इसीलिए कबीरदास की भाषा को साधुमेल या पंचमेल या खिचड़ी सदुकरी भाषा कहते हैं या पंचमेल खिचड़ी, मतलब अनेक भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो तीसरा का अर्थ जान ले लेते हैं। अर्थ लिख लो, बांसुरी दिन में, रैनी रात में, सुपीणे सपना, बिछुटिया बिछड़ गया। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य सुख की खोज में रात दिन इधर उधर भटकता रहता है। संसार में इतना कुछ होने पर भी ना उसे दिन में सुख प्राप्त होता है ना रात में, उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता। सुख तो जीव को तब मिले जब
आत्मा से परमात्मा मिले, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो। परमात्मा से बिछुड़ने के बाद जीव को न तो सूर्य के प्रकाश में सुख प्राप्त होता है, न सूर्य के छिपने पर। वह सुख न धूप में है न छांव में। सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं है, सुख तो आत्मा के परमात्मा से मिलने पर प्राप्त होता है। जीव जो है परमात्मा से बिछुड़ने के कारण सदा ही दुखी रहता है। ईश्वर से बिछुड़ने पर जीव को कभी भी कहीं भी सुख नहीं मिलता, ना उसे दिन में चैन मिलता है, न रात में, न धूप में, न छांव में आनंद आता है। अर्थात ईश्वर से बिछुड़ी आत्मा सदैव तड़पती रहती है कि कब उस परम पिता परमेश्वर से मिलन होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। चलो बाय।